नमस्कार, द टाइपराइटर देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रशांत सरीन। इस वक्त हम मौजूद हैं बेली चराना के ब्रिज पर, जहां पर इस वक्त किसी भी पल गृह मंत्री श्री अमित शाह आने वाले हैं, बहुत जल्द अपनी उपस्थिति देंगे और एक बड़ी जनसभा को आज संबोधित करेंगे। आपको मैं बता दूं कि इस रैली को जहां एक ओर इस रैली को अमरनाथ की सिक्योरिटी के साथ जोड़कर देखा जा रहा है, वहीं ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये जो रैली है एक चुनावी विगुल होगा 2024 के लोकसभा इलेक्शंस के लिए। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं बड़ी संख्या में जनसैलाब यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं 30,000 कुर्सियों का यहां पर इंतजाम किया गया था, लेकिन जिस तरीके का जनसैलाब यहां पर देखने को मिल रहा है, आशंका लगाई जा रही है कि 30,000 से कहीं ज्यादा लोग आज यहां पर देखने को साफ मिल सकते हैं। जनाब कहां से आए हैं आप? हम आरसपुरा से आए हैं। आरसपुरा से आए हो? हाँ जी। कितने लोग आए हो? काफी लोग आए, काफी गाड़ियां आई हैं। मुझे एक बात बताओ, ये कौन लोग हैं जो बिजली पानी के लिए रोते हैं? सारा जम्मू कश्मीर तो यहाँ पहुँच गए। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो सिस्टम ठीक हो गया है, थोड़ा बहुत कसर है वो ठीक हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। 2024 में क्या भारतीय जनता पार्टी की लहर दिखेगी? हाँ दिखेगी, बिल्कुल दिखेगी। कैसे दिखेगी? बड़ा तबका जम्मू कश्मीर का जो है भारतीय जनता पार्टी से नाखुश है, कौन वोट देने वाला है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बहुत से लोग हैं जो मोदी साहब को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, ऐसी बात कोई नहीं है, वो हो जाएगा, सब लोग वोट देंगे, ऐसी बात नहीं है। थोड़ी बहुत समस्या है वो हल हो जाएगी, थोड़े लोग नाराज है वो उनको मना लेंगे हम, थोड़ी बहुत समस्या है बिजली मना लेंगे, हो रहा है कुछ, मोदी साहब ने कुछ अनाउंसमेंट किए, कुछ घोषणाएं हो जाए, क्योंकि हमारे जो होम मिनिस्टर साहब हैं वो आ रहे हैं जम्मू पे। बाबा चंचल यहाँ पर मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नुमाइंदे हैं। बाबा चंचल यहाँ पर मौजूद है। जम्मू तो यहाँ पर आ गया है? कोई ऐसी बात नहीं, कोई जम्मू यहाँ पर नहीं आया, जय गृह मंत्री जी के दर्शन करने के लिए लोग पहुंचे। क्या है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, आप बताइए। पिछली सरकारों के दौरान लाल चौक में पाकिस्तान का झंडा खड़ा होता था, का झंडा खड़ा होता है, हाईवे बनाए गए जम्मू से लेकर तक जो है, इस पर अरबों खरबों रुपए खर्चा बना है कश्मीर में, एक एक कश्मीर लोग जाते थे पिछली सरकारों के दौरान कश्मीर पे भी करते हैं, वो भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। मौजूद होंगे, मैं यहाँ पर आता हूँ, चुनावी विगुल अब नहीं के इलेक्शंस में, तो उन सब के लिए ये बड़ा संदेश है, क्योंकि जिस तरीके का जनसैलाब आज यहाँ पर मौजूद है, इसने स्पष्ट कर दिया है कि 2024 में भी सिर्फ एक ही सरकार है, वो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, मैं हूं प्रशांत सरीन, द टाइपराइटर।